अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम मूसा विजय। पाकिस्तान ने आज बैटिंग स्टार्ट की जो 487 पे आउट हुए अमर जमाल की शानदार बॉलिंग के बाद। पाकिस्तान को स्टार्ट अच्छा मिल गया। मैं जब भी बात करता हूँ खिलाड़ी सेट हो जाता है, उसका काम नहीं होता फिर जल्दी आउट हो जाना, खास करके टेस्ट मैच में फिर लंबा स्कोर करना चाहिए। अब्दुल्ला शफी 45 रन बनाकर आउट हो गए। चांद मसूद शानदार इनिंग खेली, 30 रन 43 खेलते हुए वो भी सेट हो गए, आउट हो गए। अब इमाम उल हक 38 रन 136 पारे खेल चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है माद अमाम का पारे से सोशल मीडिया पे। तो क्या मैं फिर ये क्रिटिसिज्म है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा तेज 38 नहीं 70-75 रन होने चाहिए थे इमाम उल हक के, बहुत स्लो खेले हैं। लेकिन इतना भी एक तरफ से तेरे ख्याल में विकेट होल्ड करनी पड़ती है, जैसे शान मसूद अच्छी क्रिकेट टैगिंग खेल रहे थे। लेकिन फिर भी जो क्रिटिसिज्म है थोड़ा जायज़ मुझे लग रहा है। अब लंबा स्कोर करना 38 रन 200 गेंद के 50-50 रन पे बंदा आउट हो जाए तो ये भी बात तो समझ नहीं आती। आज आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट है तो उसके हिसाब से खेलना चाहिए, बहुत स्लो खेल रहे हैं, इस चीज़ को भी देखना चाहिए। 5 टेस्ट मैच हम जीतने आए हैं, हम ड्रा करने नहीं आए। तो अच्छा स्टार्ट है, 132 पे दूंगा। और होपफुली पाकिस्तान जो लीड है ना 487 420 तक चला जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होगी, मैं कहता हूँ अचीवमेंट होगी। तो अब देखने वाली बात है कि आज सुबह जो है पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट होगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:20 पर। तो पाकिस्तान की आप बैटिंग कर रहे हो किस परफॉर्मेंस देते हैं।